ए इज फॉर A1C, बताया था ना अभी, एवरेज शुगर सात के अंदर रखना है, तो ए इज फॉर A1C, HbA1c जो आपके पिछले 3 से 4 महीने की शुगर को बताता है। और यदि आपने अपना A1C हर 4-4 महीने में कराया और 7 के अंदर जिंदगी भर रखा, तो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन की चांसेस नहीं के बराबर या बहुत कम है। तो पहला बताया A1C, उसको हम HbA1c ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन A1c जो आपको 7 के अंदर रखना है। तो ए इज फॉर, बात करो ना, ए इज फॉर A1c, बोलो A1c। बी इज फॉर ब्लड प्रेशर, बी इज फॉर लेस देन 130/80, बोलो लेस देन 130/80। ए इज फॉर A1c, बी इज फॉर ब्लड प्रेशर जो आपको 130/80 के अंदर रखना है, सी इज फॉर कोलेस्ट्रॉल, सी इज फॉर जो अपने को LDL कोलेस्ट्रॉल 100 के अंदर रखना है, LDL कोलेस्ट्रॉल 100 के, बोलो LDL कोलेस्ट्रॉल 100 के अंदर। A, B, C। डी इज फॉर डाइट कंट्रोल, डी इज फॉर डाइट कंट्रोल। ई इज फॉर एक्सरसाइज, A, B, C, D, E। एफ इज फॉर फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग, हर डायबिटीज वाले के पास खुद का ग्लूकोमीटर होना जरूरी है, उससे आपने अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार रेगुलर चेकअप करना जरूरी है। डॉक्टर साहब, मी तुमच्याकडे आलो होतो 2021 मध्ये, त्याच्यानंतर तुम्ही जे गोळ्या देऊन दिली 3 वर्षापासून अक्षरशः तसंच खातोय, पण मध्ये यायची मला वेळ नाही मिळाला, पण औषध वगैरे खात, बरं टेस्ट केलं का घरी? नाही, टेस्ट तर केलंच नाही, तर त्याला काही अर्थ नाही। सो एफ इज फॉर फ्रिक्वेंट मॉनिटरिंग, A, B, C, D, E, F, जी, जी इज फॉर गुड क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम, यानी जो आपने एजुकेशन का प्रोग्राम अटेंड किया है, इस तरह का कार्यक्रम साल में एक बार किसी का भी अच्छे व्यक्ति का हो, यदि अपन अपने आप को एम्पावर करते रहेंगे तो देन यू विल बी एबल टू स्प्रेड। तो A, B, C, D, E, F, G। एच इज फॉर हेलो डायबिटीज, आज से हर व्यक्ति को हेलो डायबिटीज से रिलेटेड एजुकेशन सीखना जरूरी होना चाहिए। ये एक वेव होना चाहिए, एक मुहिम होना चाहिए, एक अभियान होना चाहिए, जो हर घर में लोगों को डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से और डायबिटीज से यदि हमको बचाना है तो हमको कहीं ना कहीं, एच इज ऑल्सो फॉर हैप्पीनेस, तो यदि जीवन की हैप्पीनेस आपको गैदर करके रखना है तो उसके लिए ABCDAFGH का फॉर्मूला अपनाना जरूरी है।